आसपास मुखी आहे इतना बड़ा दिया हुआ लाजिम मामू अपन का दिया हुआ तो मैं बीजेपी सरकार से एक बार बोलना चाहता कि इंशाल्लाह हम इस वर्ग के अंदर बोलो या इस बात के अंदर बोलो हम कांग्रेस की ताकत बढ़ाकर ही दम लेंगे तो मैं सहरा पार्टी और बहुत पति सरकार बदल मोदी साहब गेले फ्रांसला म्हणले ते करार काय करा लवकरात लवकर विमान द्या आणि विमानाची किंमत यांच्या काळात गेली 1668 कोटी रुपयाला एक विमान विमान घेतली फक्त 36 आपल्या काळात विमान तेवढ्या पैशात विमान घ्यायला घ्यायचे होते 126 आणि घेतलेल्या विमानाची टेक्नॉलॉजी त्याचं असेंब्लिंग करणं त्याची टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करणं आणि त्याचा मेंटेनन्स करणं याचं काम आपल्या भारत सरकारची कंपनी आहे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी तिला काम देणार होते हा करार होता परंतु ते तर केलं नाही इसलिए लोग अभी बोल रहे हैं कि वाले मोदी तेरा के सस्ती दारू महंगा तेल ये महंगा तेल मैं इसलिए बता रहा हूं कि 91 रुपए से 90 रुपए तक भाव है पेट्रोल का ये जो बाहर से खरीदते हैं 45 रुपए में बेचते हैं 90 रुपए में तो 100% टैक्स भरने वाला हर एक
के घर के सामने एक मोटरसाइकिल है, लड़के के पास है, वालिद के पास है। इसलिए रोज हमारा गरीब आदमी इनके तिजोरी भरने का काम करता है, सवेरे उठने के बाद ग्रस्त करता है, उसके लिए जो टूथपेस्ट वापरता है उसका भी सरकार जो टोल लेती है 18% जीएसटी लगी है। हर चीज सुबह से शाम तक जो जरूरतमंद अपनी चीजें खरीदता है सरकार को 18% से 48% जीएसटी देता है। मालूम बताया कितनी फायदे आपकी तस्वीरों में पड़ी है, तो उन्होंने बताया 37,000 इतने 37,000 फायदे पड़ी है, उसका कोई हिसाब करना चाहिए अपने तस्वीरों में नहीं हो रहा है। अगर हमने देखा होगा कि गुजरात में सबसे बड़े पैमाने के ऊपर नोट बदलने का पाप हुआ है, अमित शाह जी की बहन ने 30,000 करोड़ रुपए का नोट बदलने का काम हुआ, 30,000 आए नहीं, वो नकली नोट छाप ली गए और असली बना के बंबई से लेके तो दिल्ली तक भेज के उसको चूरा कर लिया गया और बोले वो असली पैसा था, वो असली पैसा नहीं था। अगर असली पैसा था तो हमारी माँ बहनों के पास आज भी पैसा मिलता है, वो पैसा कौन सा है? अरे घर में एक एक दो दो नोट गलती से लगी है। हमारे देश की आबादी 125 करोड़ है, तो ये पैसा जो आप मिलता है एक बार 7 महीने पहले झंडे डालेंगे 5 करोड़ रुपए मिले थे वो भी असली थे। नेपाल गवर्नमेंट ने बताया 30,000 से 25,000 करोड़ हमारे पास हिंदुस्तान की करेंसी है, वो हमको बदलना है। जिला मध्यवर्ती बैंक है उनके पास भी जो पैसा है वो भी असली है। फिर इनके पास इनके एक गवर्नर है उर्जित पटेल साहब ने आंकड़ा बताया और वो आंकड़ा क्या बताया मालूम है? उससे बड़ा पाप जो किया गया है नोटबंदी का, न खाऊंगा ना खाने दूंगा लेकिन ऐसा खाऊंगा कि तुमको समझ में भी नहीं आएगा। इस तरह का ये इतना बड़ा आरोप जब मैं कर रहा हूं, मैं जिम्मेदार हूं, मैं 20 साल से आमदार हूं, ऐसा नहीं कि मगर जिम्मेदारी के बिना बोल रहा हूं। ये देश में जो यह भाजपा सरकार के फेवर में बोलता है वो देश प्रेमी होता है और उसके खिलाफ बोलने वाला देश प्रेमी होता है, इसको बोलते हैं अनिश्चित आनी बाजी। इतना पक्का है, इतना जबरदस्त है कि वो कोई चीज मानता नहीं। मैं यह सच बोल रहा हूं तो महाजा करके कि हिंदू बांधवा ने जीता की थी, आज उल्ले केला की थी, जय जयकार केला की थी, कौन खाना खाना अन्न नहीं तेरा घर कौन मिलत नहीं। आज तो नवीन योजना आ गई है घर को, एक एक वाड़ा मध्य 3-3, 4-4 हजार बाप को भी बेटे को भी छजा को भी भोपर को भी जो बना रही है छोटा है उसको भी दे रहे हैं। ये पहली बार मैंने ऐसे घर कुल की योजना देखा। सजान खड़े मुझे बोले भाई माजा मतदान संघर्ष पर तो 29,000 घर कुल आगे क्या दिया तो कई होना सत्ता रहे कि मतलब हुनर कल्याण 25 तारीख काम वाला शुरुआत हो गई। अच्छे दिन आने वाले, आपको मैं थोड़ी सी बात बताऊंगा अच्छे दिन के बारे में। और नवाज शरीफ की बहन है भारतीय जनता पार्टी की, उसको रोज बहने आके पूछती है बहन जी अच्छे दिन कब आने वाले हैं। उन्हें बोली ये जो शख्स ने जुमला बोला उससे पूछ के आके बोल दूंगी आपको कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं। वो बहन दिल्ली को जाती है, पूछती है नरेंद्र भाई से मिलती है और बोलती है मुझे रोज बहने आके पूछती है कि अच्छे दिन कब आने वाले हैं। तो नरेंद्र भाई ने बोला इतनी छोटी सी बात के लिए इतना परेशान है बहन जी, आप बैठिए। उनको अपने बल्ले में बिठाया, घंटी बजाया, बहन को चाय दो ऐसा बदलो। पर थोड़ी देर के बाद में चाय पीना हो गया कि बंगले के अंदर पीछे गए, वहां से एक खुराना खोला, एक मुर्गा लाया, बहन के हाथ में दे दिया। ये मुर्गा जिस दिन अंडा देना शुरू कर देगा तुम्हारे अच्छे दिन आ गए। तो ऐसे हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, बिल्कुल नहीं। हमारे अच्छे दिन जब आएंगे जब गरीबों को न्याय और इंसाफ मिलेगा, जब हमारे खाकी जैसा दवाखाना कल्याण राव जी ने जो बनाया उसमें सारी मस्ती भी आ जाएगी, गरीबों को फुकट वहां इलाज होगा, उनको दवाई मिलेगी, किसानों को बिन ब्याज का कर्ज मिलेगा, फिवर होंगी, पाइपलाइन होंगी, बावड़ी होंगी, इसके लिए न्याय और इंसाफ मिलेगा, सब अच्छे दिन आएंगे।